Yeah.
ये बहुत सुंदर जगह है और एक जादुई लड़की है इसे देखो अरे पक्का है कैसी बात है लेकिन क्यों जादू करने के लिए क्या करूं तैयार हो जाए चलिए देखते हैं दवाई चिंता करो कैसे जगह है चीजें चक्के पर हो और रॉन्ग परिवार भी ना हो तो परेशानी परेशानी करते हैं आप लोग परेशानी क्या सीधी
फंस गई। हाँ जैसे कि मुझे पता नहीं है कि इस टापू पर फंसे हो, लेकिन ऐसे मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। मुझे भी पता है कि मैं कोई रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा हूँ या कोई सिनेमा देखने। ठीक है, तकलीफों के बावजूद एक दोहरी मजदूरी है और घर में बहुत सारी चीजें। अब आप आपका रोना धोना बंद कीजिए और रसोई में वापस जाइए, नहीं तो आपका रात का खाना खराब हो जाएगा। अरे आप
गाड़ी का नंबर देख लिया होता तो मैं भी इसकी सूचना जरूर देनी होती। लेकिन आप सड़क के बीच में गाड़ी चला रहे थे। मैं सड़क के बीच में गाड़ी चला रहा था। शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसे कभी नहीं छूता।
इसे कीजिए मिसेस राजू। लेकिन
बहुत हाथों से गुजर कर आए। आप तो बड़े जासूस निकले। बड़ा फैंसी क्रिश्चियन नाम है करम, यूलिप, नॉर्मन, और एक बड़ी वर्कम नाम जैसे कि अबर विंटर। शुक्रिया मायन क्लाइन, आपने असामान्य और गंभीर सवाल की ओर मेरे ध्यान को आकर्षित किया। मुझे लगता है वो समय आ गया है कि हम सबको अपनी अपनी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। हमारे अज्ञात होस्ट के संबंध में जानकारी के साथ पढ़ना सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम सब कंपनी के मेहमान हैं और ये सब कैसे हुआ ये हम सबको जरूर जान लेना चाहिए। ये सारी बातें बहुत अच्छी है, मुझे हस्ताक्षर के साथ एक खत मिला जिसे पढ़ना बहुत आसान नहीं था। ये खत मुझे कैसी महिला से मिला जिन्हें मैं दो या तीन साल पहले समर रिसॉर्ट में मिली। उन्होंने मुझे अपना नाम लोकदेव बताया था। मुझे पूरा यकीन है मैं मिसेज हूँ, मैं अपने किसी भी व्यक्ति को ना ही कभी जानती थी और ना ही कभी मिली। आपके पास कुछ चाहिए मिस फ्रेंड? हाँ है, मैं अभी आई। मिस मैं वास्तव में मिसेज आउट को कभी नहीं थी। मैं एक हॉलीडे पोस्टिंग चाहती थी जिसके लिए मैंने लंदन की एक सेक्रेटरियल एजेंसी में आवेदन किया था। मुझे इस पर की ऑफर दी गई और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। आपकी संभावित मालिक से कभी नहीं मिली? नहीं, सिर्फ एक नियुक्ति पत्र। आप पढ़ के सुनाइए। जी सर, मैंने आपका नाम मिस ग्रैनफेल एजेंसी से प्राप्त किया है और मैं समझती हूँ कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से जान लें। मुझे आपके द्वारा मांगे गए वेतन का भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं और मैं आपसे 28 सितंबर को अपनी ड्यूटी शुरू करने की उम्मीद रखती हूँ। बैडिंगटन से 12 बजे की ट्रेन है और ओपरिन स्टेशन पर कोई आपको लेने आएंगे। मैं खर्चे के लिए 5 पाउंड भेज रही हूँ। आपकी अपनी पूना नैन्सी आऊँ। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा निश्चय या दिक्कत को वह आमना नहीं जाए। मैं आमना के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। मुझे मेरे दोस्त बैजर बर्के से एक तार मिला, उससे मुझे यहाँ कॉल नहीं हो पा। शुक्रिया। तो काम सा मेरा यहाँ आने डॉक्टर के एसेट से हुआ। पिछले फॉर्म में मुझे लिखा था कि वो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य यानी नसों के बारे में चिंतित है और वो चाहते थे कि उनका इलाज उन्हें बिना बताए किया जाए, इसीलिए उन्होंने ही सुझाव दिया कि मैं यहाँ पे साधारण अतिथि के रूप में आऊँ। तो आप इस परिवार से पहले से परिचित नहीं? कौन परिवार से? हाँ नहीं। और आप इस बुला बैठने की कोई आपत्ति नहीं? नहीं, क्योंकि आमंत्रण खत में मेरे सहकर्मी का उल्लेख भी किया जाए और मुझे खासे पैसे भी ऑफर किए गए थे और वैसे भी मैं छुट्टी के मूड में था। हाँ आप पढ़ के सुनाएंगे। डियर मिस ग्रैंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको याद होंगी। हम कुछ साल पहले अगस्त के महीने में बेलहेवन गेस्ट हाउस में साथ हो गए थे। मैं भारतीय समुद्र के एक टापू में अपना यानी खुद का एक अतिथि शुरू कर रही हूँ। मेरे ख्याल में सचमुच ऐसे जगह की सब जरूरत है जहाँ अच्छा और सीधा साधा अंग्रेजी खाना मिल सके और जिसकी देखभाल एक अच्छी और ईमानदार परिचारिका के हाथों में हो और जो आधी रात तक नंगा पैर और ग्रामोफोन से परे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप भारतीय समुद्र के नील द्वीप के पास स्नेक आइलैंड पर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बारे में सोचें मेरे मेहमान के रूप में। और बिल्कुल मुफ्त। क्या सितंबर के महीने में ठीक रहेगा? मेरे ख्याल में 25 तारीख को पैडिंगटन से ओपरिज की ट्रेन ठीक रहेगी ताकि आप नील द्वीप से जहाज ले सकें कि आप 28 सितंबर को स्नेक आइलैंड पहुँच पाए। आपकी अपनी आपकी अपनी UNR थोड़ा स्पष्ट है। मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त यानी कॉन्स्टेंस केली तक से एक लुभावनी चिट्ठी मिली जिसमें वो अपने सामान्य अस्पष्ट और असंगत तरीके से मुझे यहाँ शामिल होने के लिए आग्रह करती है और अपने मेजबान और परिचारिका के बारे में। एक मिनट, मैंने कुछ सोचा नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लोम्बा, अगर आपको एतराज हो तो हम एक समय पर एक ही चीज लेंगे। ओके बोलिए। हाँ जी मैं कहता हूँ मिस्टर राउन से एक फसल है, मैंने सीधा मैं जरूर उनसे कभी केस क्लब में मिलाऊँ कुछ पुराना
पिछले नामों का उल्लेख करके हमें आरोपित किया और हमारे खिलाफ कुछ निश्चित प्रमाण का भी उल्लेख किया। सबसे पहले इन आरोपों से निपटना चाहिए। फिलहाल में एक छोटी सी बात पर मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उल्लेखित नामों में विलियम एंटिग्लोर का नाम है, लेकिन जहां हम जानते हैं विलियम एंटिग्लोर नाम तो है एवं डेविस का नाम को उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ डेविस के बारे में आप सब लोग का क्या कहना है। ऐसा लगता है कि हम पकड़ेंगे, मुझे बता देना चाहिए कि मेरा नाम डेविस नहीं है। तो आप विजय मेहंदी क्यों है? हाँ ये सही है। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। ना सिर्फ आप एक जारी नाम के तहत यहाँ आए हैं मिस्टर ब्लो, लेकिन आज शाम को मैंने देखा कि इसके अलावा आप एक उत्तम श्रेणी के जूते भी नटल साउथ अफ्रीका से आने का दावा करते। मैं नटल साउथ अफ्रीका को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं शपथ लेके कह सकता हूँ आपने अपनी जिंदगी में कभी वह पहनती नहीं रखा। सर जब आप मुझे गलत समझते हैं, मैं एक बस यही अफसर पुलिस वाला, मैं मेरी बातों को साबित कर सकता हूँ। मेरी टीमत में एक जासूसी एजेंसी है और अब मुझे इस काम पर लगा दिया गया। किसके द्वारा? क्यों आओ, उन्होंने खर्चे के लिए बहुत अच्छा मनी ऑर्डर भी भेजा और कहा कि इस घर की पार्टी में शामिल होना है और तुमको एक अतिथि के रूप में पेश आना है। आप सभी के नामों की एक सूची भी भेजी है और बताया है कि आप सब पर मैं नजर रखूं। कारण बताया था? हाँ, उन्होंने कहा था कि मिसी गाउन के कुछ मूल्यवान गहने थे। मिसी गाउन सब बकवास, मेरा मानना है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपका निष्कर्ष मुझे सही लगता है। यूनिक नॉर्थन आर्म, पूना फ्रांसिस आर्म, हर बार ये कहना होगा UMR। अगर हम इस बात को थोड़ा गौर करें तो ये उनआउ अनआउ अनआउ यानी अनोन। ओह माय गॉड, ये तो कोई शर्मा पागल ही कर सकता है। अब मेरे मन में कोई शक नहीं है कि हमें एक पागल नहीं आमंत्रित किया। क्या एक वो खतरनाक माने एक हत्यारा? ओह माय गॉड, वो जो कोई भी हो उसने हमें यहाँ आने के लिए ललचाया, हमारे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारी अपनी जानकारी के बाहर भी काफी सारे कठिन आरोप लगाए हैं। ये सभी बातें बहुत अच्छी तरह से आरोप लगाने के लिए ही है। भारत है, ये सब झूठ और बेबुनियाद है। एक अविश्वसनीय दुष्ट और मन घड़े कहानी है ये। एक दुष्ट झूठ, एक झूठ हमने कभी नहीं किया, न हम में से कोई। ये दुर्गा की पता नहीं ये तुम क्या चाहता है। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्या मित्र ने मुझ पर एक एडवर्ड सेटन की हत्या का आरोप लगाया। एडवर्ड सेटन ये अच्छी तरह से याद है, जून 1930 में मुकदमा की मेरी अदालत में पेश हुआ था, उस पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप था। उसके बचाव के लिए पूरी कोशिश की गई और सुनी तो की एक अच्छी छाप पर, लेकिन सबूत के आधार पर निश्चित रूप से पूछी मैंने समझ भेजा और जूरी ने उसे दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा। मैं इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था क्योंकि अपील एक गलत आधार पर दर्ज की गई थी, इसलिए खारिज कर दी गई और विधिवत उस व्यक्ति को फांसी दे दी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस मामले में मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से स्पष्ट है। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और एक दोषी ठहराया गया हत्या को सजा सुनाई। आप एडवर्ड सेटन को जानते थे? मेरा मतलब व्यक्तिगत रूप से? मैं उसे कभी नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। ये गाँव एक संगी है, बिल्कुल पागल। मेरे ख्याल में मुझे ये कहना चाहिए कि गाँव ने जो नौजवान आत्मनिक फंड के बारे में कहा वो एक सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। रिचमंड मेरे नीचे तैनात अफसरों में से एक था। मैंने उसे 1917 में शत्रुओं को ढूंढने के मिशन पर भेजा था और वो मारा गया। और युद्ध में तो ऐसे ही होता है, लेकिन मेरी पत्नी पर जो कीचड़ उछाला गया उस पर मुझे बेहद गुस्सा है। सच्चाई में वो तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में से एक थी, बिल्कुल जूलियस सीजर की पत्नी की तरह। वही तो बच्चे रहोगे जो कैम्ब्रिज में मेरी गाड़ी के नीचे आ गए। बड़ी खराब स्थिति।
नाम के भी उल्लेख थे और मिल जुली पर ब्रेडिंग का भी नाम आया। इसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है सर, रत्ती भर की भी। मिल जुली पर ब्रेडिंग की मृत्यु के समय उन्हीं के साथ थे। उनका स्वास्थ्य हमेशा से ही खराब रहता था जब से हम वहाँ गए। उस रात आंधी आई थी जिस रात उनकी मौत हुई। टेलीफोन भी खराब थे, हम डॉक्टर को टेलीफोन नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर को बुलाने पैदल गया पर डॉक्टर को आते आते बहुत देर हो चुकी थी। हमने उनके लिए हर संभव कोशिश की सर, हमें उनसे बहुत लगाव। हमारे खिलाफ कभी किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा सर, एक शब्द भी नहीं। उनकी मौत पर आपको भी तो एक छोटी सी रकम मिली थी नहीं? अमित शेरी पर पेड़ी हमारी वफादार सेवा को मानते हुए विरासत में हमारे लिए कुछ छोड़ गई थी और क्यों ना छोड़ दी मैं जानना चाहता हूँ। आपके बारे में क्या मिस्टर ब्लॉक? मेरे बारे में क्या? आपका नाम भी तो सूची में है। मुझे पता है आपका मतलब लैंडर से। वो एक बैंक डकैती थी। लैंडर? लैंडर मुझे अच्छी तरह से याद है, हालांकि वो मेरी अदालत में पेश नहीं हुआ। आप ही के सबूतों पर वो दोषी पाया गया। आप ही वो पुलिस अधिकारी थे जिसके हाथ में ये मामला था। हाँ मैं ही था। लैंडर को उम्र कैद की सजा हुई लेकिन एक साल बाद वो डाकू जेल में मर गया। बहुत कमजोर इंसान था वो। एक ठग था, वही था जिसने रात के पहरेदार को मार दिया था। मामला एकदम साफ उसके खिलाफ था। आपकी तो बड़ी तारीफ की गई थी। मेरे ख्याल में इस मामले को सरलता से निपटा देने के मुझे तरक्की मिली। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। कर्तव्य कैसा सुविधाजनक शब्द है। और आपके बारे में डॉक्टर नांगशा? मैं इस मामले को समझ ही नहीं पा। इस नाम का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं। क्या नाम था वो? प्लीज क्लॉस। इस नाम का कोई मरीज मुझे याद ही नहीं जो किसी भी तरह से मौत से जुड़ा हुआ हो। बात मेरे लिए पूरी तरह से रहस्यमय। बेशक बहुत पुरानी बात हो, शायद मेरे ऑपरेशन किए गए मरीजों में से कोई इतनी देरी से आते कि कुछ किया भी नहीं जा सकता। और फिर जब उनकी मौत हो जाती है तो उनके लोग हमेशा सर्जन को ही दोषी ठहराते हैं। और फिर सर्जरी छोड़ के नर्सों का मामला का प्रैक्टिस करना ही बेहतर समझते। कुछ लोग तो शराब पीना भी छोड़ देते। आपको इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं। मैं शराब को कभी छूता तक नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था डॉक्टर आश्रा। लेकिन मिस्टर अननोन यानी मिस्टर अज्ञान वो एक ही शब्द से जो हर तथ्यों को पूरी तरह जानते हैं। मिस एनोन उस पर जो आरोप लगाया पीटर हैमिल्टन के बारे में, मैं पीटर हैमिल्टन की नर्सरी गवर्नेस थी। अब गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए कॉर्नवॉल में उस बच्चे को दूर तक तैरने की मनाई थी। एक दिन मेरे ध्यान से बाहर वो बच्चा तैरकर दूर निकल गया। जैसे ही मैंने देखा मैं उसके पीछे पीछे तैरते हुए गई, लेकिन अफसोस लगा वक्त पर नहीं पहुँच पाई। कुछ चार्ज पता हुई थी? हाँ हुई थी, लेकिन मुझे किसी भी बात के लिए दोषी नहीं पाया गया। उसकी माँ ने भी मुझे दोषी नहीं ठहराया। मुझे कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं? कुछ नहीं। आप अपनी रक्षा कर सकती है? रक्षा का कोई सवाल ही नहीं, मैंने हमेशा अपने अध्यात्म के अनुसार ही काम किया है। अगर आप सब कानून के पालन करने वाले मुझसे है तो क्या मैं एक अकेला ही अपवाद हूँ? मैं आपकी कहानी का इंतजार है कैप्टन लोम्बा। मेरी कोई कहानी नहीं है। अपना मतलब क्या है? मैं आप लोगों को निराश करने के लिए किए गए हैं, लेकिन वो सही है, मैं दोषी हूँ। मैंने उन 21 अफ्रीकन सदस्यों को झाड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया। सोचा था वो खुद अपनी रक्षा करें। आपने अपने ही लोगों को छोड़ दिया? हाँ तो मैं पक्के अंग्रेज की तरह काम तो नहीं किया, लेकिन आत्मसुरक्षा हर आदमी का पहला फर्ज होता है। और फिर ये अफ्रीकन आदिवासी कबीले वाले वो मरने से डरते नहीं, वो मौत के बारे में ऐसा नहीं सोचते जैसा हम यूरोप वाले सोचते। अब हमारी जांच इसी बात पर टिकी है। इस बिल पर आपके और आपके पत्नी के अलावा और कोई है? कोई नहीं सर। बिल्कुल पक्का मालूम है? यकीन है सर। धन्यवाद। अब जाइए। मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ कि हमारे अज्ञात मित्र ने हमें किस कारण यहाँ एकत्रित किया, लेकिन मेरी राय है इसकी
दिमाग जो हालत असंतुलित है और वो खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मेरी राय नहीं होगी जब जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ो। मेरा सुझाव है कि हम आज ही इसी रात यहाँ से चले जाए। सही है। और रॉजर्स ने ही नाव को आने से रोक रखा है। अरे आपने अभी तो कहा था कि नाव
पहले जीप छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे आप। खास की मेरा कौन आ जाता? ये मेरा कौन कौन है? अरे वो नाव वाला कल दोपहर को हमें यहाँ ले आया था। मुझे लगता है ग्रामोफोन रिकॉर्ड आत्मा किया ये सब कुछ एक ही आदमी जानता है और अब मुझे इसमें पहले छोड़ने में कोई चीज नहीं है। मुझे वो नारेपाट की शक्ल तक पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मारिया की आत्महत्या से उसे बहुत बुरा झटका लगा होगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग, क्या ये एक आत्महत्या थी? नहीं तो क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन आत्महत्या एक बात जरूर है, अगर ये मिस्टर अननोन सही में इस बीट पर है और उन्होंने ही रॉजर्स को ये सब करने के लिए कहा होगा तो। अरे ये कैसे हो सकता है? हम सबकी मौजूदगी में मारिया के ग्लास के साथ कोई कैसे छेड़छाड़ कर सकता है? ग्लास तो यही रखा था, उसमें कोई भी साइनाइड का एक बूंद मिला सकता था। पर पोटेशियम सल्फेट? सर मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ सर। क्या आप ऊपर आकर मेरी पता क्या हुआ? मतलब वो दिखती है? वो कोई भी मेरे आने का मेरे बीट नहीं सुनिएगा। काश कि नाव जल्दी आ जाए, मुझे इस जगह से नफरत होने लगी है। पुलिस के साथ संपर्क करें नहीं अच्छा होगा। पुलिस? आत्महत्या के मामले में पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। क्या आप नहीं जानते मिस्टर कौन? यहाँ क्या हो रहा? नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं है। आपको ब्रेकफास्ट ही पड़ी है, इस हालत में भी आपको खाने की याद आ रही है। लेस्ली, मैं गाली। मैं लेस्ली नहीं हूँ, मैं मेरा पहचान हूँ। मुझे बात नहीं करना, मैं आपको अपनी पत्नी समझ लूँगा। मुझे लगा और मैं लेस्ली का इंतजार कर रहा। लेकिन मुझे लगा आपकी पत्नी अब नहीं रही, काफी अर्सा हुआ वो गुजर चुकी है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था लेकिन मैं गलत था, वो यही है। गुड मॉर्निंग। बस देर से सोया। नाम आए क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आई। ये बहुत भूख लगी है। नाश्ते के बारे में क्या है? पूरे घरेलू कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ठीक है, हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। अरे ये देखो, ये तो अजीब है। क्या अजीब है? आपको याद है पिछली रात इन कुत्तों में से हमें गायब मिला था? हाँ, नौ होने चाहिए। मुझे यकीन है कि जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ 10 कुत्ते मौजूद थे। आपको यहाँ केवल 8 है, ये क्या हो रहा है? शायद पहले से 9 थे, उस नर्सरी राइम की वजह से हमने सोच लिया कि 10 है। हेलो डॉक्टर, आप क्या बात? मिसेस रॉजर्स मर चुकी है। नहीं कैसे? काफी देर तक जब केतन नीचे नहीं आई तो खुद उतर गया और उसकी हालत देखकर घबरा गया। फिर उसने मुझे बताया। अफसोस, मिसेस रॉजर्स 5 घंटे पहले ही मर चुकी है। दिल का दौरा हो सकता है, घर में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे भी शायद क्या था? मुझे तो ऐसा लगता है नहीं। पोटेशियम साइनाइड जैसे मारिया निकोलाइवना के साथ हुआ? नहीं, ये कोई मादक पदार्थ या संभव पदार्थ है जैसे कि बारबिट्यूरेट या वश में करने वाले कोई नार्कोटिक्स से। आप ही ने तो उसे कल रात कुछ नींद की दवा दी थी, आपने नहीं दी थी? हाँ मैंने दी थी, उसे क्रिमिनल की हल्की खुराक दी थी मैंने। क्या आपने जरूरत से ज्यादा तो नहीं दे दिया? नहीं बिल्कुल नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है मैंने जो दवा दी थी वो किसी की भी जान नहीं ले सकती थी। तो फिर वास्तव में हुआ क्या? लाश की जान जानकारी लिए बिना इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मान लेते हैं कि अगर ये मौत आपके कोई निजी मरीजों में से किसी एक की भी होती तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? उनकी स्वास्थ्य की सही जानकारी लिए बिना उसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। वो बहुत घबराई हुई दिख रही थी और कल रात को उसे धक्का भी लगा था। हो सकता है शायद उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। उसके दिल ने तो धड़कना बंद कर ही दिया, लेकिन वो क्यों? यही अहम सवाल है। अंतरात्मा। आप क्या कहना चाहती हैं मिस ब्रेंट? आप सबने उस कल रात सुना, उस पर आरोप लगाया गया था
बेहोश हो गए, उसकी दुष्टता को इस तरह सबके सामने उजागर होते हुए देख उस पर सत्ता बहुत भारी पड़ा और सच मुझ कैसे मत ले। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन बिना उसकी सेहत का हालात का सही पता लगाए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते कि वो उसकी दिल की कमजोरी थी। आप चाहें तो इसे ईश्वर की करके समझ सकते हैं। और नहीं मेरे फ्रेंड, आप इस असंभव मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान के दूध से मर सकता है, लेकिन मैं नहीं मानती। पूरे कामों के सिलसिले में मेरा अनुभव यही रहा है कि दादा ने अपराधी घोषित कर देता और सजा देने का काम हम मनुष्य को ही सौंप दिया है। ये काम भी आसान नहीं और इसमें कोई छोटा रास्ता नहीं। हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। कहते जब बात को सोने के लिए ऊपर गई तो उसके बाद उसने क्या खाया पिया? कुछ नहीं, एक कप चाय भी नहीं या एक गिलास पानी। मुझे यकीन है कि उसने चाय पी होगी। कुछ लोग हमेशा सोने से पहले चाय पीते हैं। मिस्टर रॉजर्स ने मुझे आश्वासन दिया था कि उसके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था। आप तो ऐसा कहेगा ही। आप ऐसा सोचते हैं? क्या क्यों नहीं? कल रात हम सब ने आरोपों को सुना था। हो सकता है कि यह सच है तो क्या होगा? मिस ब्रांड सोचती है कि यह सच है। रॉजर्स और उसकी पत्नी ने उस बुरी महिला को मार डाला। वे इसके बारे में काफी निश्चित और खुश है। खुश है? ठीक है, वो जानता है कि इस वक्त इसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन कल रात की बात से वो डर गया था। सोचा कि एथेल को सब पता है, न जाने वो किसे क्या बता दे। वो अपने पति के लिए जीवित खतरा है, इसलिए वो क्या करता है? चाय में कुछ मिला देता है और कप और तस्करी को धो देता है और डॉक्टर को बता देता है कि उसके पास कुछ नहीं था। ये असंभव है, कोई भी आदमी ऐसा कभी नहीं करेगा, कम से कम अपनी पत्नी के लिए तो बिल्कुल नहीं। आप तो आश्चर्य होगा मिस लेटन, कुछ पति क्या नहीं कर सकते। मुझे माफ करें मिस, मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। मैं कोई अच्छा हो सही या नहीं, ये दोपहर का खाना मुझे ज्यादा चिंतित कर रहा है। चिंता नहीं कीजिएगा रॉजर्स, कुछ भी बना लीजिएगा। दोपहर का खाना? दोपहर का खाना? हम दोपहर के खाने के लिए यहाँ नहीं होंगे और ये कमबख्त ना करवा रही है। समझो क्या? मुझे माफ करे लेकिन नॉन नहीं आ रही है। क्या रेट मेरे पास आपके पहले बहुत ज्यादा है? आपको कुछ चाहिए मिस? नहीं शुक्रिया रॉजर्स। और आप लोग कहते हैं कि यह आदमी खूनी नहीं है, जिसकी पत्नी ऊपर मरी पड़ी हुई है वो हाथ में चाकू लिए ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि नाव नहीं आ रही है। आखिर ये बात जानता कैसे है कि नाव नहीं आ रही है? मिस्टर ब्लूर क्या? अरे आप देख नहीं रहे कि वो सदमे में आ गया है और किसी की तरह एक अच्छे सेवक होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। ये सच में बहुत दयनीय है। अगर आप मुझसे पूछे तो वो हमें बेवकूफ बना दें। हकीकत में महत्वपूर्ण बात ये है, नाव को अभी तक लाया नहीं गया है। इसका मतलब यही है कि हमें जान बूझ कर मदद से काटा जा रहा है। मेरा बहुत कम समय है, हमें उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो कोई मायने नहीं रखती है। आपको क्या लगता है नैरोकॉट अब तक क्यों नहीं पहुंचे? मुझे लगता है सर्वव्यापी मिस्टर अननोन ने ही ऐसा आदेश दिया है। आपका मतलब है इस समय एक मजाक हो रहा है? हाँ क्यों नहीं, स्नेक आइलैंड पर पागल पार्टियों के लिए तो जाना जाता है। और ये और एक सर मेरा ख्याल के अलावा और क्या है? और नैरोकॉट को मालूम है कि यहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीज है, इसलिए शायद वो आ रहे हैं। चेतावनी चेतावनी
हो रही है हमारी चिंता, ये नर्सरी है। 10 लिटिल इंडियन बॉयज मैराथन के जाने के बाद हम दस ही रहे, सही है ना? 10 लिटिल इंडियन बॉयज वेंट आउट टू डाई, वन चॉक इज लिटिल सेल्फ। मारिया निकोलाइवना की मौत गला घोटने से हुई थी। 9 लिटिल इंडियन बॉयज स्टार्ट अप वेरी लेट, वन ओवर स्लेप्ट हिमसेल्फ, ओवर स्लेप्ट हिमसेल्फ। ये अंतिम बात मिसेस रॉजर्स के लिए सही बैठता है। इसका मतलब है कि वो एक एक करके हम सबको मारना चाहता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे हर एक हादसे के साथ ही पंक्तियाँ बिल्कुल सही बैठती है। नहीं, ये असंभव है। ये सिर्फ एक सहयोग है और कुछ भी नहीं। हाँ, ये है। आपको लगता है ये भी क्या सहयोग है? आपको क्या लगता है मिस्टर ब्रू? मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्कुल कोई नहीं है। मैं इस बात पर निश्चित नहीं हूँ। ये खतरनाक हो सकता है। इनमें से कोई भी इस गीत को कभी नहीं छोड़ पाएगा। कोई इस दादाजी को चुप नहीं करा सकता। आप मेरे साथ सहमत हो? कुछ हद तक, कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। तो फिर हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग, मिस्टर ब्रूट, चलिए हम कुछ कर लें। मैं तैयार हूँ। किसी के पास एक रिवॉल्वर है क्या? मेरे पास है। क्या हमेशा अपने साथ रखते हैं? आमतौर पर मेरा पेशा मुझे मजबूत करता है, आप तो जानते ही है। ठीक है, आप शायद आज की तुलना में इस तरह की जगह पे नहीं है। यदि इस द्वीप पर वो संघ की उम्मा छुपा हुआ है, हो सकता है कि वो हथियार के साथ तैयार भी होगा। इस बात पर आप गलत हो सकते हैं मिस्टर जो। इस तरह के इंसान हमेशा बहुत शांत रहते हैं। अगर मिस्टर ऑनलॉन्ग इस तरह का इंसान है तो हम उसे डॉक्टर के पास सौंप सकते हैं। मेरा सुझाव है, जब तक हम द्वीप की खोज करते हैं, डॉक्टर मिस्टर लॉम्बार्ड घर की तलाशी ले। सही है, घर की तलाशी लेना आसान हो। चाहे बुकमार्क या स्लाइडिंग पैनल ना हो, उसकी मैं आशा करता हूँ। जो करना रहिएगा, कहीं आपसे पहले कहीं वो आपको न ढूंढे। चिंता मत करिए, लेकिन आप दोनों को साथ रहना जरूरी है। याद रखिए, वन गॉट लेफ्ट बिहाइंड। चलिए डॉक्टर आर्मस्ट्रांग। सही, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि वो सही है? अगर कोई इस द्वीप पर छिपा है तो कैप्टन लॉम्बार्ड उसे ढूंढ ही लेगा। वैसे भी ये द्वीप एक गंदी चट्टान ही तो है। मुझे लगता है कि इस समस्या के हल करने के लिए माँ की जरूरत है, ना कि कहर। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं थोक में बैठ कर जा रहा हूँ। मैंने मेरा दूसरा ऊंटा बुला मार दिया, शायद आप उसे ऊपर भूल गई। मैं जाऊंगा देखो। नहीं, मुझे याद आया मैंने उसे कहाँ रखा। मुझे खुशी है कि कैप्टन लॉम्बार्ड के पास एक रिवॉल्वर है। आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, चुपचाप बैठना और इंतजार करना बेहतर होगा। किस लिए चुपचाप बैठे थे? अंत के लिए। काश मैं रेसिपी को ढूंढ पाता। आपकी पत्नी? हाँ, काश उससे मिली होती तो बहुत हो जिंदगी से भर। सच में? मैं उससे बहुत प्यार करता था। बेशक मैं उससे उम्र में काफी बड़ा था और वो सिर्फ 27 की थी और मेरा जूनियर अपना रेजिमेंट 26 का था। रेजिमेंट उसे पसंद करती थी। दोनों संगीत और नाटकों में रुचि रखते थे और वो उसे चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगा लेजली जरूर उस लड़के को अच्छे करती है। लेकिन मैं एक मूर्ख था। जब मैं फ्रांस में था, उसने हम दोनों को एक खत लिखा और उसने खतों को गलत दिमाग में मिटा दिया। फिर मुझे पता चला। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक धीमा और जानलेवा गुस्सा इस पागंडी युवा के लिए मेरे अंदर बरसने लगा। मुझे वो लड़का पसंद था और मैंने उस पर भरोसा भी किया। बाकी के सब लोग कहाँ रह गए? मैंने रिचमंड को मार डाला। ओ नहीं, मेरे लिए ये काफी आसान था। लेस्ली को कभी पता ही नहीं चला रिचमंड की मौत कैसे हुई। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा और हम हमेशा की तरह जीने लगे, लेकिन किसी भी तरह कुछ भी स्वाभाविक नहीं था। और एक दिन उसकी निमोनिया से मौत। हाँ, एक तरह से हत्या ही थी। एक जिज्ञासु हत्या। और मैं हमेशा से कानून का पालन करने वाला आदमी रहा,
बैठना चाहता हूँ और लेजी का इंतजार करता हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद अपना आखिरी दिन हो, खाए पिए और मौज करें।
जमीन पर केवल हम ही है। बिल्कुल, क्या आपको तो एहसास नहीं कि एक चतुर और चालाक अपराधी हमेशा हमारे सामने है, वो जानता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं और उसी अनुसार अपने आगे की योजना बनाता है। केवल एक ही जगह है कि हम नहीं जानते हैं कि आगे कहाँ छुपा हुआ है, वो एक दीवार एक और कष्ट करता जा रहा है। एक ही जगह कहाँ? यही इसी कमरे में मिस्टर अनोन हम में से ही एक है। बाथरूम का पर्दा कहाँ है? तो आपको क्या हो गया रॉजर्स? बाथरूम का पर्दा? हाँ सर, लाल रंग का एक
मैं पूछ रहा हूँ सुरक्षा के उपाय बचाव जदीन जिसे हम सब लोगों को अपना लेना चाहिए इसके खिलाफ लकड़ियां
bumblebees jump on and then they have a fight. Madhumakhiya? This week for Madhumakhiya rakhte. Oh my God! इसीलिए यहाँ पे पांच हैं। घोड़े का डंक, घोड़े का डंक, घोड़े का डंक। जाहिर है कि
क्या यही चाहता हूँ ना कि हमें से किसी एक को बाकी से अलग कर दें। इसलिए जब तक हम एक साथ हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित सुरक्षित। आप चुप क्यों हो मेरा? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मुझे आश्चर्य है कि ये कैसा समय है। घंटों तक इंतजार करते रहना और महसूस करते रहना कि शायद ये अंतिम घड़ी हो सकती है, ये कैसा समय है? रात के 8:30 बजे बाद अंधेरा हो रहा है। तूफान थोड़ा कम हो रहा है, आपको क्या लगता है सर? शायद, लेकिन हमें बहुत आशावादी नहीं होना चाहिए। अत्याधिक को तो अपनी तरफ से सब कुछ मिल गया, इतना ही नहीं बल्कि मौसम भी उसकी योजना से प्रभावित हो रहा है। खाने के लिए कुछ है क्या? मैं देखती हूँ। देख रही मिस कैथो, हमारे नजर के बाहर कुछ भी तैयार किया हुआ चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक का कोई सवाल ही नहीं है। शक तो आप पर भी हो सकते हैं जस्टिस मॉल के कैप्टन लोम्बार्ड। हम में से किसी को भी दूसरे पे शक हो सकता है। मुझे नहीं लगता मिस्टर ब्लोर, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप अपराधी है तो आप एक अव्वल दर्जे के अभिनेता है और मैं आपको झुककर सलाम करता हूँ। थैंक यू। और मुझे आप पर भी शक नहीं है डॉक्टर आर्मस्ट्रांग, और आप पर भी नहीं मिस कैथो, क्योंकि इसके पीछे मुझे आपका कोई मकसद नहीं लगता। मैंने कुछ सोचा है। ब्रिलियंट एनिमल प्लेस या थिंग वो आदमी, उसके बारे में क्या? वो अब तक अपने को एक पुलिस ऑफिसर कहता था। रामोफोन के रिकॉर्ड भेजने के बाद उसने यही कहा जब उसका नाम लिया गया, और उसके पहले करोड़पति अफ्रीकन होने का नाटक कर रहा था। हम उसके बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। वो एक पुलिस ऑफिसर है। चलो अब हम जानते हैं हम कहाँ हैं। मिस क्लेथॉर्न को डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पर शक है, डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को फ्लोर पर शक है, फ्लोर को मुझ पर शक है, और मुझे जस्टिस वॉलरे पर शक। आपके बारे में क्या जस्टिस वॉलरे? आज सुबह को ही मैंने निश्चित निष्कर्ष निकाला। अब तक जो कुछ भी हुआ इसलिए एक व्यक्ति के लिए काफी अचूक है, और मैं अभी भी उसी विचार का हूँ। कौन सा विचार? मुझे लगता है वर्तमान समय में उसका नाम लेना उचित नहीं होगा। जनता के हित में उसका नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। खाने के लिए कुछ है क्या? अरे हम यही सुरक्षित है, हमें यही रहना चाहिए। लेकिन मैं भूखी नहीं रह सकती। क्या मैं जाऊँ? मैं बिस्किट का टी ले आता हूँ। एक सीएटी मिस्टर ब्लोर। ये टेबल हवा। बाथरूम के पर्दे का क्या हुआ? मैं समझ नहीं पाया, एक होमिसाइडल मेनियक को बाथरूम के पर्दे के साथ क्या मतलब? शुरू से ही तो चीजें गायब हो रही हैं। मिस ब्रेन का उसका बोला भी तो नहीं मिला। यानी ये हत्यारा जो भी हो वो एक कातिल होने के अलावा क्रिप्टोमेनियक भी है। वो नर्सरी लाइन में आगे क्या 5 लीटर लेके गोइंग टू द गोइंग इन फॉर लॉ वन गॉट इन चांसरी। चांसरी में ये एक भयानक नर्सरी लाइफ है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये आखिरी सांस तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। फ्लोर कहाँ है? मैंने उसे कुछ हो ना गया हो मिस्टर फ्लोर। आप कितनी क्या मैं आप बड़ी आप उनकी तलाश एक तूफान और स्वाभाविक महिला लगती है।
sitting in a row, thinking as their cousin, who's the next to go? Okay. If 24 घंटे से कुछ ढंग का खाया पिया नहीं, उससे आत्मविश्वास कम हो जाता है। वैसे भी हमें बोलना नहीं चाहिए कि इस द्वीप पर एक सड़की उन्माद खुले आम घूम रहा है। ये सही है। ये शख्स डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ही है। अगर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग है तो उसके साथ क्या होगा? जो औरों के लिए कब्र खोदते वो उसी में गिर जाते हैं। क्या वो किस राह में है? एक जूता, सिर्फ एक जूता चट्टा। उसका मतलब कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने आत्महत्या की। ये सभी बहुत संयोग जैसा है। यहाँ तक कि पुत्रों के गायब होने की बात भी। एक आदमी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन वो खुद डूबने वाला। लेकिन क्या हमें यकीन है कि वो सचमुच डूब गया है या फिर सिर्फ नाटक कर रहा है? क्योंकि उसके योजना के अनुसार वो हमें साबित करना चाहता है कि वो सांप का शिकार है। तो आपको लगता है कि वो मरा नहीं है? अगर मरा भी है तो लाश देखे बिना मैं यकीन नहीं करूंगा। घर में 5 लाशें पड़ी और हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। 5 नहीं बल्कि 6। नहीं नहीं, मेरा ठीक कह रहे, केवल 5 है। और मिसेस रॉजर्स के बारे में क्या? मैंने उसकी गिनती की, वो 5 ही। चलिए देखते मारिया ने मिसेस रॉजर्स को, जनरल मैकेंजी 3, मिस्टर रॉजर्स 4, मिस ब्रेड 5, जस्टिस वॉर्डेड 6, 7, 8, 9, डॉक्टर आर्मस्ट्रांग 10। आप कहिए। ये सब एक बकवास। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने ही सबकी हत्या कर दी। हम समझ नहीं पाए कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग मिस्टर अनोन है। तो आपको क्या लगता है आर्मस्ट्रांग ने आपकी बोल सुना ली? मुझे पता नहीं। फिर मुझे बताइए पहचान क्या हुआ? ठीक है, जब आप यहाँ से भागकर अपने कमरे में गए और अपने आप को बंद कर दिया, फिर हमने सोचा हम भी अपने अपने कमरे में जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर दें। करीब 1 घंटे के बाद मेरे कमरे के बाहर किसी की गाने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकला और फ्लोर के दरवाजे पर दस्तक, वो वही थे। फिर मैं आर्मस्ट्रांग के कमरे में गया, वो कमरा खाली था। फिर मैं आपके कमरे में आया और आपके दरवाजे को खटखटाया और आपसे कहा कि कुछ भी हो जाए चुपचाप वहीं बैठे। फिर मैं नीचे यहाँ आया तो देखा कि ये बालकनी की खिड़की खुली है और बगल में मेरी बंदूक पड़ी है। लेकिन आर्मस्ट्रांग उस रिवॉल्वर को क्यों छोड़कर जाएगा? मुझे मत पूछो। तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ है? कहीं छुपा हुआ, हमारी मौत का इंतजार कर रहा। मिस्टर अनोन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ही है और इस बात का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सबूत दे सकती हूँ। क्या? उस नर्सरी गैंग के बारे में सोचो। वो लिटिल इंडियन बॉय इज गोइंग टू द सी, अ रेड हेरिंग स्वॉलोड वन एंड देन देयर वर 3। क्या आपको इसकी सूक्ष्मता पता नहीं चल रही? वो वास्तव में मरा नहीं है। ये बहुत ही सरल है। आप देखिए वो एक पागल है और इस नर्सरी गैंग के मुताबिक हम सबको मारकर आनंद ले रहा है। हमारे लिए संकेत पता है कि आगे क्या होने वाला है। 3 लीटर इंजन
ठीक है, हम इस भीड़ के चौकी पर जाकर ठहरते और मदद की इंतजार करते हैं। वहां से हम ये घर से भी दूर होंगे और देख पाएंगे कि कोई आता है। कुछ भी यहाँ रहने से बेहतर है फिल्म देकर ऊपर भेज दिया।
बड़ी आसानी से, और फिर जनरल मैकेंजी के पीठ पे छुरा दो। और क्या रॉजर्स, रॉजर्स जब वो लकड़ियां काट रहा था, एमिली ब्रेक हाउ किंग वो चक्कर सब के सामने जब वो वहां बैठी थी एक हाई कोर्ट ने सिरे पाएगी। तुम्हें मालूम है इस